में आपका स्वागत है। आज 2 जुलाई 2020 12 करोड़ में से अकेले चेयरमैन के वार्ड में 5 करोड़ 2 करोड़ चहेतों को और 12 पार्षदों को एक भी पैसा नहीं। हाल ही में प्रदेश के बुजुर्ग विधायक का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था, अकलाए जिम गया। ऐसा ही कुछ जिला पार्षदों में हो रहा। 12 करोड़ की ग्रांट में से अकेले चेयरमैन के वार्ड के लिए 5 करोड़ से अधिक की ग्रांट स्वीकृत कर दी गई। यही नहीं, 2 करोड़ से अधिक ग्रांट अपने चहेते पार्षदों को तो दे दी, परंतु 26 पार्षदों में से 12 ऐसे पार्षद जिन्हें 1 रुपये की ग्रांट नहीं मिली। हिसार में भर्ती स्वर्णकार का पिता और विधानता गुरुग्राम में दाखिल होने का युवक पॉजिटिव। जिले में बुधवार को 2 कोरोना पॉजिटिव के सामने आए। शहर के स्कीम नंबर 19 गांधीनगर में रहने वाले स्वर्णकार जो पहले कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उनका पिता भी कोरोना संक्रमित है। 63 वर्षीय बुजुर्ग का इन दिनों हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में हार्ट प्रॉब्लम के चलते उपचार चल रहा है। इसी तरह करसोला गांव में मजदूर की लाठी व डंडों से पीटकर हत्या। करसोला गांव में मंगलवार रात को मजदूर शिव कुमार की लाठी व डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मजदूर का शव बुधवार सुबह करसोला गांव में लिजवाना कुर्द गांव में जाने वाली सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। धोखाधड़ी कर युवक के खाते से निकाले 36,000 रुपये। हर रोज जींद में किसी न किसी खाते से 30,000, 35,000, 40,000 ऐसे रुपये निकल रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति ने बैंक खाते में से धोखाधड़ी कर 36,000 रुपये निकाले। सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम में यूट्यूब चैनल होगा शुरू। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने कुलपति आरवी सोलंकी ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना संकट काल से गुजर रही है। इसके चलते जीवन शैली में बदलाव लाना मजबूरी के साथ साथ समय भी जरूरी है। इसके लिए हमें चुनौतियों में ही अवसरों को ढूंढना। भविष्य में हम सबको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दैनिक काम निपटाने होंगे, बहुत सारे काम ऑनलाइन करने होंगे। वहीं बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज। सदर थाना क्षेत्र के गांव लोचम में 8 मई को 50 वर्षीय महिला मूर्ति की हुई मौत मामले सदर थाना पुलिस ने सुबह ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर लिया। कुलकुनी में गंदा नाला खुलवाने गए प्रशासनिक अमले पर महिलाओं ने किया पथराव। कुलकुनी गांव में बुधवार दोपहर को गंदे नाले को खुलवाने गए प्रशासनिक टीम पर महिलाओं ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की जिप्सी के शीशे टूट गए और 7 पुलिसकर्मियों के ईंट पत्थर लगने से चोटें भी आई। प्रशासनिक हमले पर ईंट पत्थर बरसाने पर पुलिस ने की